दो नए केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, आज देश को दो नए केंद्र शासित राज्य मिल गए हैं। अब दोनों ही केंद्र शासित राज्यों में रणबीर पैनल कोड की जगह इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी की धाराएं काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का जो नया कानून बना है वो आधी रात के बाद से प्रभाव में आ गया है। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल देश को दो नए केंद्र शासित राज्य मिल गए। अब यहाँ प्रशासन और व्यवस्था बदले हुए कानून के तहत काम करेगा। अब इन जगहों पर रणबीर पैनल कोड की जगह इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी की धाराएं काम करेंगी, जो आधी रात के बाद से प्रभाव में आ गई है। दरअसल आजादी के वक्त 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत भारत बनाने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के जन्मदिन पर जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म ऐतिहासिक है। क्या होंगे बदलाव? लद्दाख बना बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर बना विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होंगे। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू तो लद्दाख में राधाकृष्ण माथुर होंगे उपराज्यपाल। अभी दोनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होगा, लेकिन दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल अलग अलग होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 106 केंद्रीय कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का कानून, सूचना अधिकार कानून, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाला कानून भी शामिल है। राज्य पुनर्गठन कानून के तहत जम्मू कश्मीर के करीब 153 कानून होंगे खत्म। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में भी होगा बदलाव। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल की जगह 5 साल का होगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति के साथ साथ अब अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। पहले कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जा सकते थे, अब दूसरे राज्यों की तरह कुल सदस्य संख्या के 10% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है चुनाव आयोग। जम्मू कश्मीर में बढ़ सकती हैं विधानसभा की सीटें। जम्मू कश्मीर में डीजीपी का मौजूदा पद कायम रहेगा, जबकि लद्दाख में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का वहां के पुलिस के मुखिया होंगे। दोनों ही केंद्र शासित राज्यों की पुलिस केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू बेंच मौजूदा व्यवस्था के तहत काम करेंगी और लद्दाख के मामलों की सुनवाई भी अभी इसी तरह से होगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर इसे लागू करने का फैसला किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल जो आयोग काम कर रहे थे, अब उनकी जगह केंद्र सरकार के आयोग अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी सरकारी नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।